एच नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर के लगातार चर्चाएं जोरों पर हैं और सीट पर जिस तरीके से शिवपाल यादव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रघुराज शाक्य समाज पर बीजेपी ने इसलिए भी दाव लगाया क्योंकि वहां पर जो वोटों का गणित है, जो सियासी समीकरण है, वो ये कहता है कि यादव वोट के बाद अगर सबसे बड़ा वोट बैंक है उस सीट पर तो शाक्य समाज का है। हालांकि मुस्लिमों की भी एक बड़ी ताद है, लेकिन आप देखिए कि इस पूरे मामले में अब शिवपाल यादव पर रघुराज शाक्य का जो है वो गुस्सा फूटता नजर आ रहा है। दरअसल शिवपाल यादव को अपना राजनीतिक गुरु मानते रघुराज शाक्य, लेकिन आखिरी समय पर आपने देखा कि डिंपल यादव के पर्चा नामांकन में शिवपाल यादव की मौजूदगी उस वक्त नहीं थी, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि इस पूरे मामले में रघुराज शाक्य का जो है गुस्सा फूटता नजर आया क्योंकि शिवपाल यादव से उनको काफी ज्यादा उम्मीदें थी और ये कह रहे थे वो कि दरअसल इस पूरे मामले में जो है कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को जो है उनका समर्थन करना चाहिए था क्योंकि रघुराज शाक्य समाजवादी पार्टी की तरफ से दो बार सांसद रहे, एक बार विधायक रहे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के उन तमाम राजनीतिक समीकरणों को बेहतर ढंग से समझते हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर उन पर जो है इस बार दाव लगाया। लेकिन क्या वाकई में अखिलेश यादव के उस गढ़ में इस बार जो है सेंधमारी करने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी, क्या रघुराज शाक्य उनके उम्मीदों पर जो है खड़े उतर पाएंगे, ये कई तरीके के सवाल जो है लगातार बनते नजर आ रहे हैं क्योंकि अपर्णा यादव को लेकर के लगातार ये खबरें जो है चर्चाओं में थी कि उनको उम्मीदवारी जो है सौंपी जा सकती है, लेकिन अचानक ऐन मौके पर उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के जो है सिरे से खारिज कर दिया और कहने का अमित शाह की एक बड़ी मुलाकात उनसे हुई थी जिसके बाद यह करारसाराई तेज हो गई थी कि दरअसल अपर्णा यादव इस सीट से जो है बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाई जाएगी, लेकिन ऐन मौके पर उनके ना करने के बाद ही रघुराज शाक्य को आनंद फानन में जो है वहां से उम्मीदवार घोषित किया गया। देखते हैं कि रघुराज शाक्य अखिलेश यादव के उस गढ़ में सेंधमारी कर पाती है या बीजेपी को इस बार भी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ को। धन्यवाद।